वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का सर्वे आज से शुरू। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी सर्वे की इजाजत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज की। जिला अदालत के फैसले को रखा बरकरार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से इनकार किया। कहा न्याय के लिए परिसर का सर्वे जरूरी। एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी, ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाए। सर्वे दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद। निचली अदालत को फैसला करने में मिलेगी मदद। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे से पहले वाराणसी में अलर्ट बढ़ाई गई। विश्वनाथ धाम और ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा। काशी विश्वनाथ धाम में 4 से 7 अगस्त तक मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगी। सोशल मीडिया पर रखी जाएगी निगरानी। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान होगी जुमे की नमाज। सर्वे के दौरान मैदागिन से गदोलिया के रास्ते पर सुरक्षा कड़ी की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। कमेटी की याचिका पर आज होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की दलील, एएसआई सर्वे से पूरे मामले पर पड़ सकता है असर। परिसर में खुदाई की भी जताई आशंका। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अफसोस जताते हुए कहा मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नूह हिंसा मामले में पुलिस कार्रवाई जारी। अब तक 93 केस दर्ज, 176 आरोपी गिरफ्तार। हिंसा मामले की जांच के लिए एसआईटी की 10 टीमों का गठन किया गया। कम से कम 5 एफआईआर की जांच करेगी हर एक टीम। नूह हिंसा मामले के आरोपियों की कोर्ट में पेशी। सभी आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। नूह के एसपी की चेतावनी, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। मामले में अब तक 3 केस दर्ज किए गए। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए हरियाणा सरकार ने गठित की कमेटी। अफवाह को रोकने है मकसद। नूह के नलहड़ महादेव मंदिर पर हमले का नया वीडियो सामने आया। दंगाइयों ने पहाड़ी से भक्तों पर चलाई थी गोलियां। फायरिंग की वजह से मंदिर के बाहर मची थी भगदड़। जान बचाने के लिए मंदिर के अंदर भागे थे भक्त। नूह हिंसा पर बड़ा खुलासा, पंजाब नंबर की एक कार दंगाइयों को लीड कर रही थी। पंजाब के मानसा जिले के निर्मल सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है कार। कार और मालिक की तलाश में जुटी पुलिस। मणिपुर में फिर आई हंगामे की तस्वीर। विष्णुपुर में मैतेई समुदाय और सुरक्षा बलों के बीच गुरुवार को झड़प हुई। इस झड़प में 17 लोग घायल हुए। विष्णुपुर में सुरक्षा बलों के बफर जोन को मैतेई समुदाय के लोगों ने तोड़ने की कोशिश की। रोकने पर सुरक्षा बलों पर पथराव किया गया। सुरक्षा बलों ने बेकाबू भीड़ पर काबू पाने के लिए पहले आंसू गैस के गोले दागे। भीड़ को तितर बितर करने के लिए फिर हवाई फायर किया गया। सुरक्षा बलों और मैतेई समुदाय के बीच झड़प के बाद पूरे इलाके में बड़ा तनाव। इम्फाल में भी लगाया गया कर्फ्यू। लोकसभा में ध्वनि मत से पास हुआ दिल्ली सेवा बिल, अब राज्यसभा में बिल को भेजा जाएगा। दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के दौरान बोले अमित शाह, केंद्र के पास कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार। अमित शाह ने कहा, दिल्ली अध्यादेश पूरी तरह से संवैधानिक, राजनीति की वजह से इसका गलत विरोध। सीएम केजरीवाल पर बरसे अमित शाह, कहा भ्रष्टाचार छिपाने के लिए सतर्कता विभाग पर कब्जा करना चाहते हैं। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना का नेहरू, पटेल, अंबेडकर समेत कई बड़े नेताओं ने किया था विरोध। अमित शाह का बयान। अमित शाह का दावा, विपक्षी एकता के बावजूद फिर पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी बनाएंगे पीएम बनेंगे। अधीर रंजन चौधरी का अमित शाह से सवाल, भ्रष्टाचार के मामले में ईडी, सीएबीआई, आईटी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, बिल की क्या जरूरत है। अमित शाह से बोले अधीर रंजन चौधरी, आप सुविधा के हिसाब से नेहरू का करते हैं इस्तेमाल। दिल्ली सेवा बिल पर बीजेपी सांसद किरण खेर का आम आदमी पार्टी को जवाब, कांग्रेस और बीजेपी ने भी शासन किया, कभी ऐसी स्थिति नहीं आई, उन्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्या किया। आम आदमी पार्टी सांसद सुशील कुमार, रिंकू लोकसभा के पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किए गए, आसन पर पेपर फेंकने की वजह से कार्रवाई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आम आदमी पार्टी सांसद के निलंबन के लिए किया प्रस्ताव पेश, स्पीकर ओम बिरला फैसले से पहले सदन से ले मंजूरी। सुशील रिंकू ने कहा, सस्पेंड होने का नहीं है कोई दुख, संघीय ढांचे को किया जा रहा है खत्म। लोकसभा में पेश हुआ डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल, कांग्रेस टीएमसी और ओवैसी ने बिल का किया विरोध। अधीर रंजन चौधरी की मांग, स्थायी समिति को भेजें डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल। पीएम मोदी ने बिहार में एनडीए सांसदों के साथ की मीटिंग, कहा बिहार में बहुत संभावना है। सांसदों को चुनाव में जीत का मंत्र दिया, कहा विकास और लाभार्थी सबसे अहम है। पीएम मोदी ने विकसित पूर्वोत्तर भारत के सपने का भी जिक्र करते हुए कहा बिहार की भूमिका अहम रहेगी। बीजेपी नेता गजेंद्र शेखावत के बयान पर बोले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, मेरे एक पैर में 3 और दूसरे में हेयरलाइन फ्रैक्चर। अशोक गहलोत ने कहा, मैं सीटी स्कैन और एक्सरे बीजेपी नेताओं को भेज दूंगा, केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी शर्मनाक है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत की चोट को लेकर टिप्पणी की थी, कहा था कोर्ट जाने के डर से पैरों में पट्टी बांधी है। अशोक गहलोत का बड़ा बयान, कई बार सीएम पद छोड़ने की बात सोची, सीएम पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, कोई भी काम नहीं रुक रहा है, फैसले बराबर हो रहे हैं, घोषणाएं भी अब लागू हो पा रही हैं।
लाल डायरी में वैभव गहलोत का नाम, बीजेपी ने खोला मोर्चा, कहा सीएम के बेटे की करतूतों का खुलासा। लाल डायरी मामले पर गजेंद्र सिंह शेखावत का तंज, अभी राजस्थान सरकार के घोटालों की कई रंगीन डायरियां आएंगी। केरल कांग्रेस के नेताओं के साथ खड़गे और राहुल की दिल्ली में बैठक, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर आरोप, हमारे पास कई सबूत, बीजेपी ईवीएम हैक करने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी का बयान, देश को बेरोजगारी और सांप्रदायिक हिंसा से बचाएगा इंडियन अलायंस। ममता सरकार पर बरसे शुभेंदु अधिकारी, कहा प्रदेश में बेरोजगारी व्याप्त, 12 साल में एक भी नया एयरपोर्ट नहीं बना। बिहार बीजेपी चीफ का सीएम नीतीश पर आरोप, प्रदेश में क्राइम के मामले बढ़े, शराब माफियाओं का बोलबाला, लेकिन सीएम चुप हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने पहलवान बजरंग पुनिया को तलब किया, 6 सितंबर को पेश होने को कहा। कुश्ती कोच नरेश दहिया ने दर्ज कराई है आपराधिक मानहानि की केस, 10 मई को जंतर मंतर पर अपने खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर की है शिकायत। हेट स्पीच के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने मुंबई में आक्रोश मोर्चे का आयोजन किया, बड़े पैमाने पर पार्टी कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। ठाणे में कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स को पीटने का वीडियो सामने आया, सीनियर कैडेट ने जूनियर कैडेट पर डंडे बरसाए। वीडियो वायरल होने के बाद कॉलेज में हड़कंप मचा, प्रिंसिपल ने कहा कैडेट से बातचीत करने के बाद आरोपी सीनियर पर कर रहे हैं कार्रवाई। कॉलेज के प्रिंसिपल ने छात्रों के घर वालों से अपील की, कहा अपने बच्चों को एनसीसी से दूर ना रखें, पिटाई करने वालों को माफ नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा में एक आर्मी जवान सहित 2 लोग चेनाब नदी में डूबे, एनडीआरएफ और पुलिस की टीम चला रही थी रेस्क्यू ऑपरेशन। ईटीएस ने एक संदिग्ध आतंकी को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया, हिजबुल का बताया जा रहा है आतंकी। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था, फिलहाल ईटीएस पूछताछ में जुटी। फिरोजाबाद में जांच कर लौट रहे सब इंस्पेक्टर की घात लगाए बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की, पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। सब इंस्पेक्टर की गर्दन के पास लगी थी गोली, जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। बंगलुरु में हथियार दिखाकर वाहन चालक से लूट की गई, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वाहन चालक को रोका, धारदार हथियार दिखाकर मोबाइल और पर्स लेकर फरार हुए। नागपुर सेंट्रल जेल में एक कैदी के साथ लैंगिक अत्याचार, खबर सामने आने के बाद जेल में हड़कंप मचा। पीड़ित को जब तारीख पर अदालत ले जाया गया, वहां उसकी हालत देखने के बाद पूछताछ में मामले का खुलासा हुआ। अदालत ने पुलिस को जांच कर रिपोर्ट जमा करने के आदेश दिए। पंजाब के लुधियाना में साइकिल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। साइकिल मार्केट में स्थित फैक्ट्री में आग लगते ही अफरा तफरी मची, आग से फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक हुआ। हरियाणा के गुरुग्राम में रेलवे क्रॉसिंग के पास गिरा निर्माणाधीन अंडरपास, मलबे में कुछ मजदूरों के दबे होने की आशंका। यूपी के नोएडा में एक सोसाइटी की लिफ्ट टूटने से महिला की मौत, लिफ्ट तार टूटने से हुआ हादसा, 8वीं मंजिल से सीधे नीचे गिरी लिफ्ट। पंजाब के लुधियाना में पेट्रोल पंप पर खड़ी गाड़ी से 22 लाख रुपए की चोरी, कार का पंचर लगवा रहा था ड्राइवर। बाइक चोरों के कार बैग निकालकर हुए फरार, कार से निकाला बैग, मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोरों की पहचान में जुटी। मुंबई के माहिम में एंटी नार्कोटिक सेल को बड़ी सफलता हाथ लगी, बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के डोमजूर में 165 किलो गांजा बरामद किया गया, पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में फायरिंग, एक शख्स को लगी गोली, घायल शख्स का इलाज जारी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लगातार बढ़ रही ड्रग्स की तस्करी, पुलिस ने पिछले 6 महीने में 470 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा बिल 2023 पास होने पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, कहा हम नहीं चाहते छात्रों को पहले की तरह संकट का करना पड़े सामना। कोलकाता में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक्शन में नगर निगम, शहर में किया जा रहा है फॉगिंग का काम। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मुलैपरी यात्रा की शुरुआत, सैकड़ों महिलाओं ने यात्रा में लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दमदमा साहिब में नए गुरुद्वारे का उद्घाटन किया, मनोज सिन्हा ने गुरुद्वारे में मत्था भी टेका। यूक्रेन के खेरसों में रूस ने की शेलिंग, 18वीं सदी का एक चर्च बना निशाना। रूसी शेलिंग में 8 लोग घायल हुए, चर्च को जलने से बचाने की कोशिश में यूक्रेनी इमरजेंसी सर्विस के 4 जवान भी घायल। चीन में अब मंडराया खानून टाइफून का खतरा, पूर्वी चीन के तटीय इलाकों में समुद्र में उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहरें। जापान के खानून टाइफून का कहर, ओकिनावा में तेज हवा और बारिश से 20 लोग घायल। ओकिनावा में तूफान और बारिश से यातायात प्रभावित, रफ्तार थमी। हांगकांग के करीब 80 पर्यटक होटल में फंसे। ताइवान पर भी मंडरा रहा है खानून टाइफून का खतरा, लोगों को समुद्री किनारों से सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। ग्रीस में गर्मी बनी मुसीबत,
एथेंस में सैलानी कर रहे हैं हीट वेव का सामना। केंद्र सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के आयात पर लगाई रोक। मेक इन इंडिया के तहत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है मकसद। वेस्ट इंडीज ने पहले T20 मैच में भारत को 4 रन से हराया। 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज ने भारत को जीत के लिए 150 रनों का लक्ष्य दिया था। भारतीय टीम 145 रन ही बना सकी। भारत के लिए तिलक वर्मा ने सबसे ज्यादा 39 रनों की पारी खेली। सूर्य कुमार यादव ने 21 रन बनाए। वेस्ट इंडीज के लिए कप्तान रोवमन पवेल ने 48 रन बनाए। निकोलस पूरन ने 41 रनों की पारी खेली। भारत के लिए जुवेंद्र चहल और अर्शदीप ने 2-2 विकेट लिए। हार्दिक पांडे और कुलदीप यादव को 1-1 विकेट मिला। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने चीन को हराया। 7-2 से दी करारी शिकस्त। कप्तान हरमनप्रीत सिंह और वरुण कुमार ने 2-2 गोल दागे। सुखजीत, आकाशदीप सिंह और मनदीप ने 1-1 गोल किया। भारत का आज जापान से होगा मुकाबला। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है भारत। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। प्रणय श्रीकांत और प्रियांशु भी जीते। दिलीप कुमार का पाली हिल का बंगला टूटेगा, बनेगा लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट और म्यूजियम। प्रियंका चोपड़ा का निक और बेटी मालती संग वेकेशन। खूबसूरत पोज देते नजर आई प्रियंका।